नमस्कार हिमाचल, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के इस सिलसिले को। पाकिस्तान से व्यापार बंद, अफगानिस्तान से भी नहीं आई सिरमौर की हरड़ की मांग। हरड़ यानी हरितकी की मांग न मिलने से इसकी बिक्री में भारी कमी आई है, इससे इसके दामों में भी कमी आई है। पिछले दो साल से सिरमौर की हरड़ की मांग काफी घट चुकी है। पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद है, जबकि अफगानिस्तान से भी इसकी मांग नहीं आई है। पहले कोरोना महामारी का असर इसकी बिक्री पर पड़ा था। कई औषधीय गुणों से भरपूर हरड़ की मांग मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा रहती है। इसका असर जयपुर, दिल्ली, अमृतसर और होशियारपुर जैसी हरड़ की बड़ी मंडियों पर भी पड़ा है। हिमाचल में बनेगा माँ के दूध का पहला बैंक, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मिलेगी सुविधा। हिमाचल में मां के दूध का पहला बैंक बनेगा। इसके माध्यम से शारीरिक अक्षमता के चलते जिन माताओं में दूध की कमी होगी, अस्पताल में उनके नवजात के लिए प्रदेश सरकार मां का दूध उपलब्ध कराएगी। सरकार जिला मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में स्तनपान प्रबंधन बैंक लैक्टेशन स्थापित करने जा रही है। वहीं इसमें उन माताओं का अतिरिक्त दूध सुरक्षित रखा जाएगा जो नवजात को स्तनपान कराने के बाद बचेगा। स्वास्थ्य विभाग इस योजना को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सिरे चढ़ाएगा। बैंक में स्थापित की जाने वाली मशीनरियों पर 1.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। हिमाचल में यह पहला स्तनपान प्रबंधन बैंक होगा। एम्स बिलासपुर में वेरिकोज नसों का उपचार शुरू, अब नहीं जाना होगा पीजीआई। शरीर की वेरिकोज नसों के उपचार के लिए अब प्रदेश के लोगों को बाहरी राज्यों के स्वास्थ्य संस्थानों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के रेडियोलॉजी विभाग ने वेरिकोज नसों का एंडोवास्कुलर उपचार शुरू कर दिया है। एम्स बिलासपुर में 29 नवंबर को 2 रोगियों का अल्ट्रासाउंड गाइडेड एंडोवास्कुलर ग्लू एम्बोलाइजेशन किया गया। एम्स के डॉक्टर करवीर चंदेल, डॉक्टर लोकेश राणा और डॉक्टर प्रतीक सिहा की रेडियोलॉजी टीम ने प्रक्रिया को पूरा किया है। मरीजों को प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर नवनीत शर्मा की देखरेख में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर करमवीर चंदेल ने बताया कि वेरिकोज वेंस, जिसे वेरिकोजिटिस के रूप में भी जाना जाता है, ये एनगार्जर टेडी मेडी नसें हैं जो आमतौर पर पैरों में पाई जाती हैं। पैर फिसलने से खड्ड में गिरे दो नेपाली मजदूर, दोनों की मौत। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में पुलिस थाना झागड़ी की भदाल पंचायत में पिछले कल देर रात दो मजदूर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस का दल मौके पर पहुंचा और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना झागड़ी से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाली मूल के दो मजदूर पिछले कल शाम को भदाल स्थित अपने कमरे से सामान खरीदने बाजार गए थे। वहीं रात तक घूमने के बाद दोनों जब वापस अपने कमरे की ओर रवाना हुए तो NH5 के साथ बने पुल के पास से दोनों मजदूर पैर फिसलने के कारण सड़क से करीब 60 फीट नीचे खड्ड किनारे जा गिरे। हादसे की सूचना पिछले कल दोपहर करीब 12 बजे तक लगी, जब खड्ड के साथ काम कर रहे मजदूरों ने यहां उनके शव पड़े देखे। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी जूरी से IO मनोज कुमार पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों मजदूरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए PHC जूरी पहुंचाया गया। दोनों मजदूरों की पहचान मोहन और दिल बहादुर के रूप में हुई है, जो नेपाल के रहने वाले हैं। दोनों मजदूर कई वर्षों से यहां मजदूरी दिहाड़ी का कार्य करते थे। कालका शिमला रेल मार्ग पर दौड़ेगी पारदर्शी कोच वाली ट्रेन, फाइनल ट्रायल भी हुआ सफल। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर नए डिजाइन और तकनीक से लैस पैनोरमिक पारदर्शी कोच का शनिवार को फाइनल ट्रायल किया गया। RCF कपूरथला की ओर से डिजाइन किए गए दो पारदर्शी पैनोरमिक कोच से लैस गाड़ी सुबह 9:30 पर कालका से शिमला रवाना हुई और 2:30 बजे शिमला पहुंची। RDSO के अधिकारियों ने बताया कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया गया ट्रायल पूरी तरह से कामयाब रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले इन कोचों का कालका और धर्मपुर के बीच ट्रायल हो चुका है। पैनोरमिक कोच बड़ी और चौड़ी खिड़कियों से लैस है, जिससे बाहरी परिदृश्य की साफ झलक देखने को मिलेगी। इन कोचों की छत का कुछ भाग भी पारदर्शी है। कोच भी लगी सीटें 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। ये कोच CCTV और फायर अलार्म सहित अन्य आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से भी लैस है। HPU में SFI ABBP कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, 6 छात्र घायल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही छात्र संगठन SFI और ABBP कार्यकर्ताओं के बीच आज हिंसक झड़प हो गई।
इससे दोनों संगठनों के आधा दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए। परिसर में जमकर पत्थरबाजी भी हुई, इससे पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी चोटिल हो गए। वहीं घायलों का प्राथमिक उपचार करवाया गया। हिंसा की घटना के बाद एचपीयू परिसर में अतिरिक्त पुलिस और एचपीयू के सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। आज सुबह करीब 8:45 पर एचपीयू के मुख्य गेट पर खड़े एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई। आग लगने से ड्यूटी पर तैनात चौकीदार जिंदा जला, बिस्तर में लगी थी आग। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में देर रात सरकारी भवन में आग लगने से वहां तैनात चौकीदार जिंदा जल गया। यह चौकीदार नाइट ड्यूटी में तैनात था। हादसा मंडी जिला के धर्मपुर से सामने आया है। यहां लोक निर्माण विभाग मंडल धर्मपुर के तहत सिद्धपुर में देर रात को यह हादसा हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जाँच शुरू कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग मंडल धर्मपुर के तहत सिद्धपुर में बीती रात को अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि 54 वर्षीय बालम रोजाना की तरह पिछले कल ड्यूटी पर तैनात था। इस दौरान रात को उसको नींद आने के बाद अचानक उसके बिस्तर में आग लग गई। हादसे का पता उस समय चला जब दूसरा चौकीदार अपनी ड्यूटी पर आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर पूरी तरह से घबरा गया। चुनावी नतीजों से 2 दिन पहले शिमला पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने से 2 दिन पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शिमला पहुंच गई हैं। वहीं आज प्रियंका शिमला से सटे छराबड़ा में स्थित अपने घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पार्टी को बहुमत मिला तो प्रियंका मुख्यमंत्री पद के दावेदारों से मुलाकात कर सकती हैं। प्रियंका के इस दौरे को नतीजे जारी होने के बाद कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने से देखकर भी जोड़ा जा रहा है। चालक पर तेजधार हथियार से हमला, यूनियन ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के एक बस चालक के साथ तेजधार हथियारों से हमला करने और मारपीट का मामला सामने आया है। बस चालक पर यह हमला एक टिपर चालक ने संतोषगढ़ में किया है। हमले के बाद टिपर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं एचआरटीसी बस चालक पर हुए हमले पर एचआरटीसी चालक यूनियन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए तलख तेवर दिखाए हैं। यूनियन ने चालक के साथ मारपीट को लेकर पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर पंजाब सरकार ने जल्द इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो 1 सप्ताह बाद एचआरटीसी चालक पंजाब में सेवाएं नहीं देंगे। पीजी के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए लागू किया क्रेडिट सिस्टम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पीजी के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में सत्र 2022-23 से च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS के लिए रेगुलेशन को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही 2022 में लागू किए गए इस नए सिस्टम को ऑर्डिनेंस का हिस्सा बना दिया जाएगा। अब इस नए सिस्टम के तहत ही पीजी के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री, सर्टिफिकेट व डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय में निकली बंपर भर्तियां, अभ्यर्थी 26 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। केंद्र में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर भर्तियों की अधिसूचना जारी की है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट kvssangathan.nic.in पर जाकर 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 13,404 रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।